हेलो फ्रेंड्स मैं साहब डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ई एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम जानेंगे व्हाट इज रिस्क ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी क्या है राइनोप्लास्टी सर्जरी के रिस्क बिकॉज दिस इज ए कॉमन क्यूस् व्हेन द पेशेंट कम इन माय ओपीडी सर व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी कहीं कोई रिस्क तो नहीं है जब राइनोप्लास्टी सर्जरी सो दोस्तों जो राइनोप्लास्टिक सर्जरी की जो रिस्क हैं फर्स्ट द रिस्क दैट इज़ जनरल एनास्थीशिया सर्जरी रिलेटेड कोई भी सर्जरी जो बॉडी में होती है चाहे वो आइज़ की हो चाहे वो नोज़ की हो चाहे वो बाईपास हो उसके लिए एनास्थीशिया दिया जाता है सो वन इज़ एनास्थीशिया रिलेटेड रिस्क जो एवरी सर्जरी में ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं सो एनास्थीशिया रिलेटेड रिस्क जो है uh, कुछ प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन करके जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है वो उसकी फिटनेस लेके वी कैन अवॉइड दैट रिस्क सो उन रिस्क को क्या है प्री एनास्थेटिक फिटनेस के माध्यम से अवॉइड किया जा सकता है सेकंड इम्पोर्टेंट रिस्क जो राइनोप्लास्टिक सर्जरी में है वो इट्स सर्जरी रिलेटेड रिस्क दोस्तों नोज इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाई बिकॉज नोज है वेरी एंडलेस एनाटोमिकल वेरिएशंस नोज में डिफरेंट टाइप का वेरिएशंस होता है जो उसकी इनर स्ट्रक्चर है जो उसकी आउटर स्ट्रक्चर है बिकॉज अगर आप तमिलनाडु में जाओगे साउथ में एक डिफरेंट टाइप का नोज होगा बट आप नॉर्थ पंजाब में जाओगे तो डिफरेंट टाइप का ईस्ट में जाओगे मणिपुर में तो डिफरेंट टाइप का है सो बेसिकली नोज है हैव एंडलेस एनाटोमिकल वेरिएस सेकेंड बिकॉज नोज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड नीड बोथ थिंग्स लाइक द फोम एंड फंक्सन सो ड्यूरिंग द राइनोप्लास्टिक सर्जरी दिस सर्जरी इज ए बैलेंस बिटवीन द कॉस्मेटिक एंड द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द नोज अगर सपोज करो किसी का बहुत बढ़िया नोज बना दिया गया कॉस्मेटिकली नोज इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट उससे ब्रीदिंग नहीं है दैट इज दस्टिज बट ब्रीदिंग अच्छी आ रही है बट उसकी कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी करक्ट नहीं हुई तो भी पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते सो बेसिकली इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर सो जो राइनोप्लास्टी सर्जरी के दौरान अगर जो सर्जन है उसको उसकी जो डिफॉर्मिटी है उसका कंप्लीट जो है वो बारीकियों का ध्यान नहीं दिया गया सो so, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में जो और जो नोज में डिफॉर्मिटी क्रिएट होने का रिस्क होता है इसलिए राइनोप्लास्टी सर्जरी में फोर ए डॉक्टर जो पेशेंट सलेक्शन इम्पोर्टेंट जितना होता है उतना ही फोर ए पेशेंट डॉक्टर का सलेक्सन का चुनाव राइनोप्लास्टिक सर्जन का चुनाव इम्पोर्टेंट होता है बट आपका जो सर्जन है वो अगर कॉन्फिडेंशियल है एंड ही अवेयर अबाउट द योर डिफॉर्मिटी जो उसकी जो डिफॉर्मिटी है उसको करेक्ट उसको अंडरस्टैंडिंग uh, उसको पूरा अच्छे से समझ के अगर उसको किया जाता है तो यूजुअली देर इज़ नो रिस्क इन राइनोप्लास्टिक सर्जरी अगर पेशेंट का पार्ट और सर्जन का पार्ट जस्ट पूरा होता है अच्छे से होता है एंड सर्जन के जो दिमाग में है जो पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन है उसकी जो इमेज है उसके जो गोल हैं सर्जरी की वो अगर प्रीवियस पूरे नोटेड हैं तो डेफिनेटली राइनोप्लास्टी सर्जरी इज़ ए वेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी एंड ए वेरी गुड सर्जरी जिसमें पेशेंट को वी कैन इम्प्रूव द फंक्शन एंड द लुक ऑफ द पेशेंट्स सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली टू योर फ्रेंड्स योर कलीग्स For getting further, um, create awareness about the rhinoplasty surgery. And if you need more information, then you can uh, subscribe my YouTube page and uh, press the bell icon for getting the further notification of the new videos. Thank you.